यार दोस्तों आप फुल सीन हो गया था, ठीक है। जो मेन मुद्दा है उसको बताओ, उससे पहले मैं ये बताता हूँ कि जो मैंने उलन पहना हुआ ना, ये देखो ठंडे दोस्तों नॉर्मल है, और मैं हमेशा कभी भी ज़िंदगी में ना मैंने कभी ऐसी टोपियाँ पहनी ना कभी ऐसा पहना, लेकिन जैसे लंबे रूट में ज़्यादा ज़्यादा एनर्जी बर्न करने के लिए और ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी बर्न करने के लिए ज़्यादा पसीना आए, ज़्यादा से ज़्यादा वो हो करके सिर्फ मैं प्रैक्टिस टाइम में फिटनेस के टाइम में जो है ये अपर पहनना शुरू किया है। गर्मी बिल्कुल ठंड है, बिल्कुल ना के बराबर है, तकरीबन पूरी चैन लगा के और ये बाल गिला पहन के मैं दौड़ लगा, मतलब चैन बाल गिला लगा के पूरा दौड़ लगा रहा हूँ, ठीक है। लेकिन रुक गया जो सकने के, इसलिए ये बताने के लिए कि यार मेरे साथ एक हादसा सिचुएशन बनी जो गड़बड़ थी, जल्दी बताऊँगा आपको, बोर नहीं करूँगा। मैं काफ़ी दूर रूट में जो है ना दौड़ के निकल गया, ठीक है, मैं काफ़ी लंबा दौड़ के निकल गया, काफ़ी आगे तक निकल गया, और यार मुझे फिर एहसास हुआ कि यार कुछ गड़बड़ है। जब मुझे एहसास हुआ कुछ गड़बड़ है तो मैं दौड़, यार ये मेरे का मास्क है यार दोस्तों, मुझे ऐसा फील हुआ ना जैसे मैंने 100 कत्ल कर दिया और मैं बहुत बड़ा मुजरिम हूँ, क्योंकि यार इंडियन आर्मी का सोल्जर होने के नाते इंडियन आर्मी का सोल्जर हमेशा पॉजिटिव मैसेज देता है और जनहित में देता है, देश के हित में देता है, तिरंगे के शान में देता है। यार दोस्तों यार तकरीबन 3.5-4 किलोमीटर ऐसा फासला मैंने दौड़ के पूरा कर लिया था, कुछ देर तैयार क्योंकि दौड़ने में बबलिंग होता है इसलिए बता रहा हूँ। तो दोस्तों जितनी लंबी दौड़ मैंने वापसी घर के लिए लगाई है ना, बहुत लंबी दौड़ लगाई, मतलब इतना शर्मिंदा था मैं, बहुत शर्मिंदा था यार मैं, ये इसलिए शर्मिंदा था कि यार इंडियन आर्मी का सोल्जर बिना मास्क के अगर पुलिस वाले पकड़ लें, क्योंकि दोस्तों मैं पुलिस वाले के सपोर्ट में रहता हूँ और सच के साथ रहता हूँ, ट्रैफिक नियम का पालन करने में मुझे पूरा भरोसा है, लेकिन जब 4 किलोमीटर निकल गया मुझे पता चला यार मैंने तो मास्क ही नहीं पहना है, तो इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई मेरे को, तो मैं दौड़ के वापस घर गया, घर जाके फिर ये मास्क पहन के आया और दोबारा दौड़ने के लिए फिर आया हूँ। बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई, मैंने कहा अगर रास्ते में कोई पुलिस वाला मुझे पकड़ ले, रोक ले और पूछे भैया तुम्हारा मास्क कहाँ है, तो यार मेरे लिए बहुत बड़ी जेल थी वो, ठीक है, बहुत बड़ा जेल का सफर था, शुक्र है ऊपर वाले का, इष्ट देवता का, ठीक है, और साईं बाबा का, क्या ऐसी सिचुएशन नीचे फेस नहीं आई, लेकिन मैंने भी अपना 110 दे के पूरा जोर लगा के 4.5 किलोमीटर की दूरी बहुत ही कम समय में पूरी की और घर पहुँच के यार कम से कम 5 मिनट चैन की सांस ली। बहुत से काफ़ी लोग और देख भी रहे थे मेरे को, उन्हें लगा यार ये बंदा बिना मास्क के दौड़ा, पूरे देश में कोरोना चल रहा और ये बिना मास्क दौड़ा। तो दोस्तों यार हम इंसान जो है गलतियों के पुतले हैं, कितना भी तैयारी के साथ चले कभी ना कभी अचानक वो मिस्टेक हो जाती है जिस मिस्टेक के हम वो के बारे में सोच सकते हैं। दौड़ के छल फिर वापस आया, फिर मास्क पहना यार दोस्तों, और अभी तस्वीरें दौड़ के निकला हूँ, अभी तकरीबन 4-4.5 किलोमीटर वापस पूरा कर लिया है और अभी मैं निकलूँगा दौड़ के आगे के लिए। तो यार मेहरबानी करके यार सोल्जर होने के नाते नियम का पालन करना बहुत ज़रूरी है, क्यों हमारी वजह से देश के लोगों को पॉजिटिव मैसेज जाता है कि हाँ यार हम सही काम करें, अच्छा काम करें, ताकि हमसे ही लोग सीखते हैं, सेना के जवान से ही लोग सीखते हैं दोस्तों कि कैसे काम अच्छा करना है, किस तरीके से नियमों का पालन करना है और सपोर्ट में देश के आगे चलना है। तो दोस्तों मास्क पहना तसल्ली हुई और अभी चेकलिस्ट में ऐसी गलती है आइंदा शायद ही हो, क्योंकि एक मौका भगवान ने दिया कि यार बेइज्जती होने से अच्छा हुआ कि टाइम से वापस पहुंचा और मास्क पहना, और ये बहुत अच्छी बात थी। ठीक है दोस्तों, सिर्फ आपको ये बता रही शेयर कर रहा था, और बाकी जो भी मैंने गर्म किट पहना है ना, ये तो हमने ग्लेशियर भी नहीं पहना, लेकिन मेहरबानी करके अभी जो ज़्यादा से ज़्यादा बर्न करने के लिए शरीर के अंदर की जो हीट है उसको बाहर ज़्यादा निकालने के लिए पूरा बॉडी को पूरा बंद कर रखा। फिलहाल फिर भी नीचे से हाफ पैंट में हूँ, ठीक है, नीचे फिर भी हाफ पैंट में हूँ, ये फिर भी हाफ पैंट में चल रहा हूँ, ठीक है। तो आप दौड़ शुरू करते हैं, जय हिंद।